हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट कनिशा। तो दोस्तों, सोमवार के दिन कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए और कौन सी नहीं, तो दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, घर में खरीदारी करना किसे पसंद नहीं है, लेकिन सभी दिन खरीदारी के सही नहीं होते हैं। हफ्ते के सातों दिन अलग अलग भगवान को समर्पित होते हैं। हर दिन अलग अलग ग्रहों के भी माने जाते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बहुत ही महत्व है। हर ग्रह को राशि से जोड़ा गया है, साथ ही हर दिन को भी इसी के अनुसार देखा जाता है। कुछ विशेष चीजों की खरीदारी विशेष दिन पर करने की मनाही है। ऐसा करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से आप पर ग्रहों का अशुभ प्रभाव पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भगवान भोले की पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती है। कुंवारी कन्या के लिए इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना गया है। एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखने की सलाह दी जाती है। और दोस्तों, सोमवार के दिन चंद्रमा को समर्पित है। इस दिन सफेद रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन सफेद वस्तु खरीदनी शुभ मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ के नाम पर सोमवार के दिन सफेद रंग की वस्तु की खरीदारी आपको लाभ दे सकती है। दोस्तों, फिर आप चावल खरीदे या दूध से बनी मिठाइयाँ या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब आपको बहुत ही लाभ देते हैं। इनके अलावा सोमवार को एक्वेरियम खरीदने की भी सलाह दी जाती है। इन चीजों को घर में लाने से आपका दिन बहुत ही अच्छा रहता है और ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, अवश्य इस दिन ये चीजें अवश्य खरीदना आपके लिए शुभ मानी जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन ऐसे कौन सी वस्तुएं ना खरीदें जिसे अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन जिन चीजों को खरीदने की मनाही है उन्हें भी जरूर जान ले। कई बार ये वस्तु खरीदना ग्रहों को परेशान कर देता है और जीवन में अशुभ होने लगता है। दोस्तों, सोमवार को अनाज, कला से संबंधित वस्तुएं, कॉपी किताब, खेल के सामान, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि नहीं खरीदनी चाहिए। दोस्तों, इन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है, यानी कि भूलकर भी सोमवार को ये वस्तुएं ना खरीदें। इससे आपको परेशानी आ सकती है, आपको रुपए पैसों की तंगी भी आ सकती है। तो दोस्तों, अवश्य सावधान हो जाइए और सोमवार के दिन गलती से भी ये चीजें ना खरीदें, वरना आपको इसका भुगतान भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह आप ये वस्तु सोमवार के दिन खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं ये दोनों जान चुके हैं, तो अवश्य इसके अनुसार ही कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।